एवरीवन, मेरा नाम है अरविंद कुमार शर्मा और मेरे साथ है रोथर रोथर जेलिस इज माय नेम। ओके, तो आप लोग देख रहे हैं स्टूडेंट खबरी और यहाँ पर हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक नई सीरीज जहाँ पर हम लोग आप लोगों को रिव्यूज देने वाले हैं। मैं तो बड़ा एक्साइटेड हो गया हूँ। जहाँ पर हम आप लोगों को रिव्यूज देने वाले हैं भाई अलग अलग कॉलेजेस के बारे में, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो, चाहे वो कोई सी भी ब्रांच हो, चाहे वो कोई सी भी फैकल्टी हो, भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन लेकिन पहले देखो भाई, गीता मैं नहीं कहूंगा सच, क्योंकि मैं कहूंगा अगर सच तो मैं कहूंगा नंगा सच। और नंगा सच बोलने के लिए भाई चले चाहिए रहता है जिगर, इसमें जिगर नहीं है। मैं बताऊंगा, रुक जाओ मैं बता दूं, क्लियर कर दूं। अगर सच सुनना है तो लास्ट के दो मिनट में बताऊंगा। और सुनो, ये वीडियो दो मिनट से पहले छोड़ के चली जाएगी, नहीं तो लगेगी मिर्ची। और अगर तुम्हें तो लगी मिर्ची पटना वाली मैं बता रहा हूं, अगर सच सुनना चाहते हो तो लास्ट के दो मिनट मत देखना इस वीडियो को। पहले ही बता रहा हूँ, वार्निंग दे रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ। चलो आ जाओ, जो इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं और जो इस कॉलेज में पढ़ने जाना चाहते हैं वो दो मिनट खत्म जो आखिरी के ना उसको होने के पहले निकल जाएं। माफी पूरी पूरी। तो चलिए आज हम बात करने वाले रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज, रीवा वर्सेज इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज सागर के बारे में। तो भाई साहब, ये दोनों कॉलेज बहुत अच्छे कॉलेज है, बहुत ज्यादा बढ़िया कॉलेज है, काफी अच्छी फैकल्टीज है, काफी अच्छी पढ़ाई है, प्लेसमेंट जबरदस्त है। प्लेसमेंट जबरदस्त है। प्लेसमेंट देखिए, नहीं प्लेसमेंट नहीं, सच्चाई आखिरी में नहीं मैं बताओ, तुम हंसोगे तो बताओगे किस। हाँ, ये प्लेसमेंट का बात मैं अभी क्लियर कर दूं। देखो प्लेसमेंट की बात करें, कॉलेज बिलीव करता है कि प्लेसमेंट हमारे बच्चों को जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। और ये बच्चे कहीं ना कहीं खुद से लोगों को प्लेसमेंट देंगे, इसलिए ये करवाते ही नहीं है। दोनों ही नहीं करवाते। तो इनका एक विजन मकसद एक अलग है और ये एक अलग लेवल पे चल रहे हैं। इनका मकसद जो है वो इंजीनियर देना नहीं है, इनका मकसद है बिजनेसमैन देना। ये नौकरियां देंगे लोगों को। हमें समझना है, देखिए हमें गलत नहीं सोचना है इसके बारे में, हमें ये करना है कि अगर प्लेसमेंट को इसमें से 10 में से मैं दूंगा 2 नंबर, क्या बात, राइट? क्योंकि विजन अलग है ना, मकसद अलग है, बहुत सारी चीजें अलग है भाई। अब ये हंसवा रहा है, मैं नहीं हंस रहा हूं, मैं यहां पर बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं। तो देखो कॉलेज की बात करें तो यार ये अब यार रैंकिंग वाइज भी डिपेंड करता है, राइट? लेकिन एक चीज तो तुम्हें माननी पड़ेगी, फैकल्टीज बहुत जबरदस्त है कॉलेज की। फैकल्टीज जो है वो इस कॉलेज की बहुत जबरदस्त है। आपको फैकल्टी जबरदस्त इसलिए 25 साल से लेकर आपको 80 साल तक की फैकल्टीज यहाँ पर मिलेगी। नहीं, मैं आपको क्लियर कर दूं, फैकल्टी इसलिए भी जबरदस्त होगी क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है पहली तो, राइट? सो यहाँ पर कई आपको IIIT NIT जैसे फैकल्टी मिल जाएगी, फैकल्टी जबरदस्त पास आउट हो, ये बात बिल्कुल सच है, नो डाउट। लेकिन कुछ करना नहीं चाहते, मतलब आप समझ जाओ क्या बोलूं, मतलब क्या बोलना चाह रहे हो आप। फैकल्टी अच्छी है, कुर्सी तोड़ना चाहती है। नहीं मतलब आप मेरे नहीं शब्द डालना चाह रहे हैं, आपका मतलब क्या है? मतलब फैकल्टी करना नहीं चाहती, मतलब देखो यार सीधी सी बात है, एक एक्सपोजर होता है, वो सारी चीजें होती है। यहाँ पर बच्चे को वो खत्म ही हो जाता है, जितना एक्सपोजर होता है वहां जाके वो भी खत्म हो जाता है। अच्छा, ये फिर वही वाली आएगा। तो मैं मतलब देखो बिल्डिंग आएगा, सारी चीजें, गवर्नमेंट कॉलेज है, लेकिन जो ठेठ गवर्नमेंट पन दिखता है ना, जब आप किसी स्कूल में जाते होगे तो आपको एक प्योर सरकारी लुक जो दिख जाता है, हालांकि यहाँ आके आपकी सर्च खत्म हो जाएगी। हालांकि कई सारे बच्चों के रिव्यूज ऐसे भी आए हैं कि भैया हम लोगों ने कोशिश करी कि हमारे टीचर जो है वो थोड़ा सा ध्यान दें, राइट? अब देखो नहीं होगा अगर उसमें हम करेंगे तो मैकेनिकल के लिए ये अच्छा है, थोड़ा बहुत सिविल के लिए ये अच्छा है, राइट? लेब से कुछ चीजें मिल जाएंगी, फैकल्टी इन दोनों में इसकी अच्छी मिल जाएंगी, इसमें अच्छी मिल जाएगी। भाई सबसे खराब बात मैं आप लोगों को बताऊं इस कॉलेज की सबसे खराब बात, मैंने 2-4 स्टूडेंट्स के रिव्यू पढ़े थे भाई, बच्चों को पता ही नहीं पड़ता कौन सी कंपनी कब आई, प्लेसमेंट दिया कि नहीं दिया और कब चली गई। सबसे अच्छी बात तो ये इस कॉलेज की, नहीं तो कंपनियों को भी नहीं पता चलता। मैं माफी चाहता हूँ, मैं क्लियर कर दूं थोड़ा सा। असल में होता क्या है, देखो एक लीडर कैन मेक डिफरेंस, मैनेजमेंट अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है ना तो सब कुछ नील बटे सन्नाटा होगा। जिसे प्लेसमेंट में 2 नंबर ये मैंने समझो कि ज्यादा दे दिए, ये मेरे जो 2 नंबर दे दिए ये मैंने ज्यादा इसलिए दे दिए, बाकी अगर तुमने बच्चों से मैंने जो बोला उन्होंने हमारे वो सुना दिया तो तुम इस कॉलेज में पढ़ रहे हो, दूसरे दिन से जाना छोड़ दोगे। हमारे एडिटर साहब कैसे आते रहे सुन के, पता नहीं जो सुन रहे होंगे। नहीं मैं बताऊं, देखो यार सीधी सी बात है, कॉलेज अपना विजन अलग लेके चल रहा है, मकसद अलग लेके चल रहा है, इसलिए मैनेजमेंट थोड़ा सा इंटरफेयर नहीं करता इन तमाम चीजों में, और इसीलिए वो प्लेसमेंट पे इतना ध्यान नहीं देता है, क्योंकि उनका हर बच्चा, इनका मकसद है कि हर बच्चा अपनी खुद की कंपनी डालेगा, प्लेसमेंट
देगा देगा नहीं, खुद की कंपनी डालेगा, प्लेसमेंट देगा लेगा और आगे बढ़ाएगा, हाँ। देश को आगे बढ़ाएगा। हालांकि ये कॉलेज आगे नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि भाई अब ये वीडियो पूरा खराब कर रहा है। मैं नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। हाँ। देखो मैं कितनी अच्छी बातें कर रहा हूँ, ये बोल रहा है आगे नहीं बढ़ पा रहा, ये बोल रहा है प्लेसमेंट को 2 नंबर दूंगा, ये कह रहा है फैकल्टी कुछ करना नहीं चाहती। मैंने कुछ बोला गलत? झूठ बोल दूं सबके सामने? देखो सीधी सी बात है। तो क्या सच बोलोगे? नहीं तो अगर तुम्हारी 1 लाख रैंक है, 1 लाख तुम्हारी रैंक है और तुम मध्य प्रदेश से हो, ज्यादा तो नहीं होगी, 1 लाख सही है। तो सीधी सी बात, सपने में भी ना इस कॉलेज को मत सोचना, सपने में, सपने भी इस कॉलेज को नहीं सोचना है। मतलब तुम्हारे सपने में अगर सपना आके बोल के भी जाए ना कि बेबी मैं रीवा जा रही हूँ पढ़ने के लिए, तुम भी आ जाओ। हाँ। सोचना नहीं, सीधी सी बात है, अब तुम्हारे नंबर ही नहीं है, क्या करें? मतलब ससरे, अब तुम 3-3 लाख रैंक ले बैठे हो, 2-2 लाख की रैंक ले बैठे हो, तो फिर सोच लेना। ये 2 लाख वाले जितने भी है ना, इतने ले लीजिए भैया कॉलेज। तो देखो रैंक पे भी डिपेंड करता है ये, राइट? अगर मैं इसको दूंगा तो टॉप 5 में तो ये आएगा ही नहीं, वैसे भी टॉप 6 में भी नहीं आएगा, टॉप 7 भी नहीं है। हाँ, तो ये अब ये क्या है कि गवर्नमेंट कॉलेज है नो डाउट, लेकिन अगर देखो सीधी सी बात है, अगर अंधे और काणों में से बोले तो ये अंधे हैं, बाकी काणे हैं। और अगर हम बात करें कि अगर आंखों में से और काणों में से बात करें तो ये काणे हो जाएंगे, वो आंखों वाले, वाले तो इंदौर में 2-1 बैठे ही हुए हैं, SGSITS और DAVV वाले जो है। राइट, नहीं वो जबरदस्त कॉलेज है भाई। नहीं कॉलेज उसके खिलाब में एक एक सब नहीं, कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं। हालांकि उसकी सिविल ब्रांच हम बोले अभी बाबा आजम के जमाने की है लेट से, लेकिन फिर भी उसके खिलाफ एक शब्द नहीं सुनेंगे। नहीं, रीजन इसलिए नहीं सुनेंगे क्योंकि अभी अगर कहीं ना कहीं, अगर सीधी बात है जिसका हम नाम ले सकते हैं तो वो हमारे लिए वही है, वही है, मतलब वही हमारे दाता है, वही हमारे, वही ब्रांड सबसे बड़ा है, इससे बड़ा कोई ब्रांड ही नहीं है। हालांकि एक्सपोजर में क्या होता है कि नई नई एक्टिविटीज नहीं कराता है, जैसे कि हमें DAVV में मिल जाता है तो उसमें भी हम आएंगे, DAVV और MITS में, DAVV MITS में आपको अदर एक्टिविटीज जो मिलती है वो SGSITS में थोड़ा सा नहीं है। वो हमने एक वीडियो कवर करा है, वो आप देखना। और उसमें क्या है कि एलुमनाई नेटवर्क SGSITS में बहुत तगड़ा है मेरे भाई, और इसी नेटवर्क की वजह से कई ऐसी कंपनीज है जो मतलब गोल्ड माइन, वो तो कई सारी राइट, माइक्रोसॉफ्ट, हाँ कई ऐसी कंपनी है जो यहाँ पर आती है, पूरे MP में कहीं नहीं आ रही है लेकिन यहाँ आ रही है। राइट, सो ये सारी चीजें देखना है। चलो रिलायंस, अब ये तो तुक्का दे रहे हैं यार, कुछ दे तो हम कम टू द पॉइंट यार, कम टू द पॉइंट। तो मेरे को ये बताओ ये सब कौन बताएगा, ये चलो बता दे भैया, ये एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इंदिरा गांधी 1981 में, 1964 में हुआ था रीवा, राइट? गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट है, ये देखो ये मतलब 8 कोर्सेज करवा रहा है, ये यहाँ पर करवा रहा है CS, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा CS कहाँ है, ये बताओ मेरे को तो समझ में नहीं CS आ रहा CS कहाँ है, CS यहाँ आई है रीवा में, रीवा में CS लेटेस्ट आई है अभी, अभी लेटेस्ट ब्रांड सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, तो ये बता दो बच्चों को, बता दो सिविल तो अच्छी है। लेटेस्ट अभी एक स्टूडेंट का कमेंट आया था, मैंने वो पढ़ रहा था, आई एम रियली सॉरी भाई साहब, CS में पढ़ाई करी उस बच्चे ने 4 साल, में जान लगा के मतलब रीवा में पढ़ूंगा, रीवा में पढ़ूंगा, रीवा में पढ़ूंगा, 4 साल चलेगा, वो बेचारा बच्चा प्लेसमेंट का इंतजार करता रह गया, कुछ ना हो पाया भाई उसका, कुछ ना हो पाया कहता है, पता है पता क्या कहता है, कहता मेरा इंटरेस्ट तो CS में था लेकिन अगर मैं रीवा में पढ़ने गया ना तो मुझे सिविल या मैकेनिकल ही लेना चाहिए थी, मैंने CS लेके गलती कर दी। नहीं नहीं, CS नई ब्रांच है ना, पहले पहले नहीं, ब्रांच तो पुरानी है, रीवा में नई नई आई है। हाँ तो अभी ये नहीं, देखो अभी कॉलेज तरक्की कर रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि CS वालों के साथ क्या करे, मतलब बाकी आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, CS वालों के साथ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। और यही एक रिव्यू है बच्चों का भी कि CS के लिए स्पेशली हम भैया कैसा है क्या है, तो भाई देखो आप तुम रिव्यू है, अगर तुमने यहाँ पर ले लिया है एडमिशन तो सीधी सी बात है CS में अगर ले लिया है तो मैं अभी से बोल देता हूँ, नहीं नहीं नहीं, किसी भी ब्रांच में, देखो गलत नहीं जाना, नहीं गलत तो नहीं, सही बोल रहा हूँ, लकड़ी तो गुच्छी ली है तुमने, अब अगर वो गुच्छी है तो बस उसको अंदर बाहर मन नहीं करना है हमें, राइट? अब क्या करना है कि आराम से पढ़ना है और अपनी प्रिपरेशन करना है, और मकसद विजन इस कॉलेज के भरोसे नहीं बैठना है। रीजन ऑनेस्ट बोलूंगा मैं क्या, कि इस कॉलेज के भरोसे आपको इसलिए नहीं बेचना है कि देखो बाकी में प्लेसमेंट कम है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं। अब वो 2 मिनट स्टार्ट हो रहे हैं और वो सिर्फ इसी कॉलेज छोड़ के जा सकते हो, और वो इसी कॉलेज के लिए नहीं, दोनों कॉलेजों के लिए बता रहे हैं, राइट? दोनों कॉलेज की अगर हम बात करें तो ये भाई बहनी है, एक जैसे ही कॉलेज है,
तो भैया यहाँ पर अगर तो बात करेंगे यार ये सारी चीजों की, तो देखो कॉलेज अच्छा है, ऑब्वियसली यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है, लेकिन कहीं ना कहीं मैनेजमेंट बिल्कुल सुस्त है, राइट। प्लेसमेंट के नाम पे अगर आपकी बात करें कि यू नो टीपी के नाम से बस 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 नथिंग, यहाँ पर आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। अगर पुराने रिकॉर्ड भी आप देखोगे तो आपको इतना कुछ नहीं मिल पाएगा। जो कंपनियों ने खुद से अप्रोच किया तो आ गई, नहीं किया तो नहीं आई, और वो भी कई बार ऐसी कंपनियां दोबारा आई नहीं। हाँ, तो मतलब सीधी सी बात है, देखो एक 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 रीजन होता है कि बच्चा ही अच्छा नहीं है, राइट, एक तो रीजन ये होता है। लेकिन यहाँ पर कई केसेस में हमने देखा है कि बच्चे अच्छे भी गए हैं, लेकिन वहां के बाद उसका क्या होता है ना कि उसको ग्रूम करना, यार देखो क्या होता है रोधर बाबू, कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर का बहुत फर्क पड़ता है। हाँ। आप अगर बहुत अच्छे हो और अगर आप किसी ऐसी संगत में पड़ जाओगे जो बहुत यू नो डाउन टू लेवल है या उसकी सोच ही नीचे लेवल की है, तो आपकी सोच भी फिर वही हो जाती है। नहीं, और अगर आप हाई, अगर आप थोड़ा एवरेज दिमाग लेकर भी जाओगे लेकिन आप बड़े बड़े दिमागों के बीच में, तो भाई मैं अगर पर्सनली सजेस्ट करूंगा तो तुम SGS-ITS में ना IPBM पढ़ लेना। हाँ, IPBM पढ़ लेना, ये कई मोड़ों ने सही बात, तो राइट। IIT में कोई भी, DABB में कोई भी निचली ब्रांच ले लेना, अगर इसकी तुम्हें CSB मिल रही होगी, अब तुम समझ जाओ, समझदार को ये सारा काफी। अगर यहाँ की CS मिल रही है, यहाँ की कोई भी ब्रांच मिल रही है, मैं बायोमेडिकल की बात कर रहा हूँ, राइट, बायोमेडिकल की IP की, SGS-ITS में हर कंपनी जो है ना, मतलब ऑलमोस्ट अगर हम बात करें सारी ब्रांचेस को, इक्का दुक्का ब्रांचेस को छोड़ के सारी ब्रांचेस को बैठने देते, सारे की सारी ब्रांच, पता है ना कि टैलेंट आएगा, ये ब्रेन आएगा, नया वो आएगा। देखो ये टीचरों का भी काम है, आपका सिर्फ अगर आप NIT से पढ़े हुए भी हो तो इसका मतलब ये नहीं आप सुपर स्पेशलिस्ट। लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसके बाद बच्चे अपने को मारेंगे जो रीवा और देखो इसमें पढ़ा। भाई हमने तो वहां पर दो प्लेसमेंट दो का दिया था, ये प्लेसमेंट देख लो आप, इधर तो 1.3 मिल रहा है और इधर 1.8। अरे रीवा जीत गया भैया। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें आगे कहीं ना कहीं, फैकल्टी की बात करें तो भैया ये है। तो देखो फैकल्टी की हमने पहली भी बात कही, फैकल्टी दोनों जगह अच्छी है, बहुत अच्छी है, जबरदस्ती दोनों जगह, राइट। फैकल्टी लेकिन करना कुछ नहीं चाहती, वो एक बात अलग। हाँ, पढ़ाना चाह रही नहीं चाह रही वो आप देख लेना। क्राउड एंड कैंपस में भैया 2.5 इधर है, 2.9 उधर है, और वैल्यू फॉर मनी। अच्छा, एक फीस की बात करें तो फीस जो है वो भी रीवा कॉलेज की जो है वो बहुत काफी कम है, बहुत कम है, तो वैल्यू ऑफ मनी तो आप बोल सकते हो नो डाउट, क्योंकि कई चीजों में आप देखोगे तो आपने एड देखा ही होगा, वो इतने पैसे में इतना ही मिलेगा, तो बस वही वाली बात है, इतने पैसे में इतना ही मिलेगा। जो फैकल्टी की बात करें यार, सबसे ज्यादा क्या है कि फ्रीलांसिंग टाइप की होती है ना, जो मतलब ऑन कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट पे बेसिस पे, वो भी ज्यादा है। तो यार एक विजन बनाओ यार, एक मकसद अपना बनाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप MP में हो, और MP के गवर्नमेंट कॉलेजेस के, अब क्या बनाओ, अब तो रिजल्ट आ गया, अब तो कॉलेज पकड़ा है, अब तो देखो मिलेगा भाई। अभी देखो यहाँ पर अभी भी CLC में कंडीशंस ये है इनकी, कि अभी भी CLC में इनकी सीटें कहीं ना कहीं जा रही हैं, और अभी भी आपको मिल जाएगी अगर आपको चाहिए, लेकिन नहीं चाहिए, लेकिन मैं सीधी सी बात करूंगा, राइट, नो बकवास, कि इस कॉलेज के भरोसे अगर आप हो तो मत लेके जाना। ये देखो अभी आपको JEE मेंस में अगर 2 लाख है, 2 लाख रैंक पर मिल रहे हैं भाई साहब ये कॉलेजेस, आप ये देखो इधर ये 1.5 लाख पर ये मिल रहा है, 6 लाख की रैंक में मिलते हैं, और बताइए। वो तो फिर सड़ी गली ब्रांचेस मिलती होंगी। सड़ी गली क्या बोल रहे, इसका मैकेनिकल ही अच्छा है, उसका सिविल अच्छा है, ज्यादा क्या सड़ी गली में। CS वाला बच्चा रो रहा है कि हमें तो भैया प्लेसमेंट नहीं मिला, दूसरी ब्रांच कर लेना चाहिए भाई, ये क्या बोलता है। तो यहाँ पर अगर देखो मत देखो, गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल फैसिलिटीज अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अगर हम बात करें 57 रेसिडेंशियल 57 रेसिडेंशियल क्वार्टर है भाई साहब, देखो कितना बड़ा काम कर दिया 57 रेसिडेंशियल क्वार्टर, लग रहा है यही कर दिया जब ही हो रहा है कि फैकल्टी इन्हें अटेंडेंस लगाई और निकल दी। तो भैया देख लेना आप लोग, गर्ल्स हॉस्टल भी है, बॉयज हॉस्टल भी है, मतलब चलो ठीक है, यहाँ पर सब मिलेगा, लाइब्रेरी भी है भैया यहाँ पे, मतलब ये है कि देखो बनाया सब कुछ है, क्या यूज कुछ हो रहा है नहीं हो रहा उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बनाया सब। अब आप कंक्लूड कर लेते हैं, हम इसको सीधी बातें कंक्लूजन पे आते हैं कि रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज और इंदिरा गांधी अगर आपको चाहिए तो नो डाउट, बच्चे के तो ऐसे रिव्यू है मेरे भाई कि आप 2 लाख से कम रैंक है अगर, राइट, तो मेरे हिसाब से बेटर ऑप्शन तुमने डिजर्व करते हो और बेटर कॉलेजेस डिजर्व करते हो, नहीं कहीं से। अगर तुम्हारी 2 लाख है, 2 लाख से प्लस है, तो फिर आप देख सकते हो नो डाउट उस हिसाब से ये अच्छे कॉलेज है, उस हिसाब से अच्छे कॉलेज है। देखो एक कॉलेज अच्छा और बुरा कैसे होता है, अगर आपकी 20,000 रैंक होगी भाई साहब,
नहीं तो फिर तो मतलब ही नहीं है ना, ये इसकी तरफ कौन देखेगा। नहीं, अगर आपकी मान लो 5000 रैंक है तो आपके लिए तो HGSITS भी बेकार है ना। हाँ, वो तो फिर आप सीधा तो आपको ये समझना होगा, ये हंसी मजाक अपनी तरफ है, लेकिन ये सारी चीजें भी रियलिटी है कि भाई गवर्नमेंट कॉलेज है, राइट, फिर भी कुछ भी हो। गवर्नमेंट कॉलेज है, देखो पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज है, फीस कम है, फैकल्टीज बहुत अच्छी हैं, हाँ। इंफ्रास्ट्रक्चर है। देखो इसका इसका सबसे क्या है ना, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में बेसिक प्लेसमेंट कम आते हैं, राइट। सीएस अभी अभी इनका आया हुआ है, राइट। तो अगर सीएस, इंदिरा गांधी में सीएस नहीं है भैया, अभी बता। हाँ, तो मैं अभी आपको बता दूं यार, जो एक इनसे मुझे एक पर्सनली वो है ना कि एक नेगेटिव इनका व्यू में दे भी रहा हूं, तो उसका रीजन ये है कि ये कुछ ITEC जैसी ब्रांचेस में भी ना वो प्लेसमेंट नहीं दे पाए जो देना चाहिए। प्लेसमेंट भी नहीं दे पाए, मतलब अगर सिविल मैकेनिकल की बात करें, इलेक्ट्रिकल की बात करें, चलो चल जाता है यार, क्योंकि गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी होती है, जॉब होती है, लेकिन तुम वो ब्रांचेस में नहीं दे पाए जिसमें देना था। तो सिविल मैकेनिकल में नहीं दे पाए, एक तो सॉरी सिविल मैकेनिकल में दे दिया, CSIT में नहीं दे पाए। दूसरा क्या है कि कहीं ना कहीं ये कॉलेज जो है ये भाई समय के साथ नहीं चल रहे हैं। अगर आप बोलो MITS की अपन बात करें, पता तो हो कि समय क्या है। चलो भाई, चलो अब यार तुम बात करो वहां पर। ओके भाई, मेरे हिसाब से तो ये जो है ये पॉजिटिव पॉइंट हमने आपको गिना दिए, अब ज्यादा मजाक नहीं करेंगे। पॉजिटिव पॉइंट हमने आपको गिना दिए हैं, सिविल मैकेनिकल अच्छा है, प्लेसमेंट उसमें हो जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, फीस कम है, फैकल्टीज अच्छी हैं। लेकिन सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट जो है, प्लेसमेंट हो जाते हैं, प्लेसमेंट होंगे ही, इसकी कोई गारंटी नहीं है। प्लेसमेंट के मामले में बिल्कुल, मतलब ये मान के चलो गिरा नंबर, ये बात तो बिल्कुल नंबर गिरे हुए हैं, ज्यादा है 10 में से बहुत ज्यादा गिरे हुए नंबर है प्लेसमेंट के मामले। और बच्चा जाता क्यों यार कॉलेज में पढ़ने के लिए, 4 साल का पढ़ाई करने जाता है, इसीलिए जाता है ना कि आखिरी में मुझे जॉब मिले, आखिरी में मुझे पैसा मिले, मेरा पेट भरे, इसलिए जाता है आदमी। विजन में, हाँ, तो विजन इनका, अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो, इनका मकसद विजन क्लियर है कि हम यहाँ पर जॉब क्रिएटर बनाएंगे, हाँ, जॉब दिलाएंगे, जॉब दिलाएंगे, क्योंकि देखो तपता वही बनता है जो अंगारों में चल रहा है। तो जब आपका प्लेसमेंट नहीं लगेगा, आप भटकोगे इधर उधर, तो आप मजबूत होगे, खुद से मजबूत जब होगे, सो एक सोचो ना, आप लोगों को भी मजबूत बनाओगे, मजबूत बनाओगे। सो आए हो, वीडियो पसंद आया होगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। किसी और कॉलेज का रिव्यू करवाना तो भैया बता देना, बताया जाएगा, जो कहा जाएगा सच कहा जाएगा, लेकिन सच से फिर मिर्ची नहीं लगनी चाहिए, मिर्ची लगेगी तो फिर नहीं कहा जाएगा, मुंह नहीं फेरना। तब तक के लिए सावधान रहे, सतर्क रहे। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, हास्ता ला विस्ता।